अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की 4 टाइप्स बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का जो पर्पस है वो डेटा की रिडंडेंसी को खत्म करना है और हर वैल्यू जो कॉलम के अंदर है वो उसकी की के ऊपर डिपेंडेंट हो। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि डेटा की रिपीटेशन को खत्म करना। डेटा जिस तरह से कॉलम्स में मल्टीपल टाइम्स अगर डेटा आ रहा है तो वो हमारा जो टेबल है वो नॉर्मलाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने वैल्यूज जो है वो हमारे कॉलम के अंदर एटॉमिक होनी चाहिए और वैल्यूज जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। किस तरह से, जैसे मैंने ये टेबल शो किया है, इसमें मेरे पास अगर सब्जेक्ट का आप कॉलम देखें तो इसमें एटॉमिक वैल्यूज नहीं है। जैसे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश हमने लिखा हुआ है, इसी तरह से सेकेंड कॉलम में भी ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें एक सेपरेट टेबल या फिर इसी टेबल के अंदर इन वैल्यूज को हमें एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के तौर पे लिखना होगा। इसी तरह से अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हर कॉलम जो है वो उसकी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने टेबल शो किया है, ये मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो स्टूडेंट आईडी के ऊपर जो कॉलम्स डिपेंडेंट हैं वो सिर्फ स्टूडेंट नेम और ईमेल एड्रेस है, जबकि कोर्स नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि कोर्स नेम जो है वो कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से फैकल्टी नेम फैकल्टी आईडी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे हर कॉलम को उसके की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट करना होगा। किस तरह से, ये इस आगे देखें कि मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ कोर्स आईडी के साथ एक सेपरेट टेबल में डिटेल्स रखती, और कोर्स आईडी और कोर्स नेम और फैकल्टी आईडी फैकल्टी नेम का टेबल सेपरेट कर दिया। और अगर मैंने कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी को लिंक करना है तो मैंने एक सेपरेट टेबल बना दिया कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी का, जिसमें मैंने अपनी कोर्स आईडी और फैकल्टी आईडी प्लेस कर दी। अब अगर देखा जाए तो ये मेरा जो डेटाबेस है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अभी भी मेरा ये जो स्कीमा है ये फुली नॉर्मलाइज नहीं है। अब अगर हम देखें कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें कि जैसे हम मैनी टू मैनी का रिलेशन देखते हैं, कि अगर मैं इस टेबल में देखूं कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है और मल्टीपल कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट के पास आ सकते हैं, और इसी तरह से अगर हम देखा जाए, इसी तरह से एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसको अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो मैं किस तरह से रिजॉल्व करूंगी मैनी टू मैनी की, जब भी हमारे पास डिपेंडेंसी आएगी तो हम एक थर्ड टेबल बना देते हैं जिसको हम पिवट टेबल भी कहते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट और कोर्स की डिटेल्स जो है, स्टूडेंट की डिटेल्स हमने अलग कर दी और कोर्स की डिटेल्स हमने अलग कर दी। अब स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप शो करने के लिए हमने एक थर्ड टेबल बना दिया जिसको हम पिवट टेबल कह रहे हैं। उसमें हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी रख दिया। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास 3.5 NF या बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो किस तरह से होती है। ये मेरा एक टेबल है जिसमें मैंने, ये मेरा टेबल जो है वो 3.5 NM में NF में कन्वर्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो ये फैकल्टी नेम जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 3.5 NM में क्या होता है कि जो कॉलम, किसी भी कॉलम में अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो मेरा 3.5 NF में कन्वर्टेड नहीं होगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमने एक टेबल बनाया जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स अलग कर दी और एक सेकेंड टेबल बनाया जिसमें हमने फैकल्टी की डिटेल्स अलग कर दी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये एक टेबल है जिसको आपने 3.5 NF फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। थैंक यू।